दोस्तों लिखने वाले ने भी क्या खूब लिखा है कि हंस के बातें करो जमाने से, क्योंकि उम्र बढ़ती है मुस्कुराने से, उम्र बढ़ती है मुस्कुराने से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय गुप्ता, लाया हूं एक छोटी सी कहानी आपके लिए। दोस्तों एक बार की बात है, एक नदी जो कि काफ़ी ऊंचाई से बहती हुई, जब वह निचले तल तक पहुँचती हो तो उसके दोनों किनारों पर ढेर सारे गोल अंडाकार असंख्य पत्थर पड़े हुए होते हैं, जिनमें से दो पत्थर रहते हैं और दोनों में आपस में मित्रता हो जाती है। जिनमें से एक गोल अंडाकार और बहुत ही आकर्षक चिकना दिख रहा था और जो दूसरा पत्थर था वह काफ़ी खुरदुरा था, देखने में भी उसका रूप बेकार था और अनिश्चित आकार का, कोई उसका आकार नहीं था। जब दोनों में आपस में विचार आदान प्रदान होने लगे तो एक दिन खुरदुरे पत्थर ने चिकने पत्थर से कहा, हे मित्र, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, क्या कह सकता हूँ? तो उस चिकने पत्थर ने कहा, बिल्कुल मेरे मित्र, जो कहना है कहो। तब उस खुरदुरे पत्थर ने कहा कि मैं और तुम दोनों उस चोटी से बहकर आए हुए हैं, उसके बावजूद तुम इतने गोल मटोल आकर्षक और चिकने हो, जबकि मैं नहीं हूँ, ऐसा क्यों? तब चिकने पत्थर ने उस खुरदुरे पत्थर से जो कहा, यकीन मानिए जैसे उसने कहा ऐसा लगा उसने ज़िंदगी का सार समझा दिया हो। उस चिकने पत्थर ने खुरदुरे पत्थर से कहा कि शुरुआत में मैं भी तुम्हारे ही जैसा था, बिल्कुल खुरदुरा, कोई रंग रूप कोई आकार नहीं, लेकिन उसके बावजूद मैंने निरंतर कई प्रयास किए, अपने ज़िंदगी में लगातार मेहनत की है, कई वर्षों तक मैं बहाव को झेला हूँ, तूफान आंधी बाढ़ सारी चीज़ों को झेलते हुए, यहाँ तक कि नदी के बहाव ने भी मुझे कई बार काटा है, तब जाके मैं घिसता कटता हुआ आज मैं चिकना हुआ और ये रूप मुझे प्राप्त हुआ है। तुम अपने इस रूप से परेशान मत हो, निराश मत हो, ज़िंदगी में संघर्ष करो, क्योंकि अगर आपने ये संघर्ष नहीं किया तो आप ऐसे ही रह जाओगे। मुझे भी लगा था, चाहता तो मैं भी संघर्ष नहीं करता, आराम से किनारे पर पड़ा रहता, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने संघर्ष करना उचित समझा, क्योंकि उस तरह आराम से पड़े रहने से बेहतर है कि कुछ मेहनत करो, कुछ अच्छा करो आगे बढ़ने की, और आज मैं तुम्हारे सामने हूँ। दोस्तों इस छोटी सी कहानी से हमें ज़िंदगी में बहुत बड़ी बात मिलती है। वो जो खुरदुरा पत्थर था काफ़ी खुश हुआ उसकी बात को सुनकर। दोस्तों संघर्ष में इतनी ताकत होती है कि इंसान को बदल कर रख देता है, इसलिए कभी भी ज़िंदगी में संघर्ष मत छोड़िए, प्रयास मत बंद करिए। कई बार आपको लगेगा कि आपके प्रयत्नों का फल आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी आप अपने प्रयास मत बंद करिए। आप निरंतर अपने ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छा पाने के लिए, ज़िंदगी को एक नई ऊँचाइयों तक ले जाने के लिए लगातार मेहनत और संघर्ष करते रहिए। अगर आप यही मेहनत करते रहेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको सफल होने से रोक पाए। दोस्तों बातें पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त संजय गुप्ता सतना। हमारी और भी आप मोटिवेशनल कहानियां देख सकते हैं यूट्यूब पर, हमारे ही चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।